Hello, once again I welcome to you all in my YouTube channel Prince of English Attitude. आज हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा पोएम लेकर के आए हुए हैं CBSE English Class 10 First Flight Book से, जो चैप्टर 8 जो है उसका जो सेकेंड पार्ट है वो एक छोटा सा पोएम है जिसका टाइटल है आपका फॉग. इस पोएम के जो पोएट है वो है हमारे कार्ल सैंडबर्ज. कार्ल सैंडबर्ज इज एन अमेरिकन पोएट है और बींग अ पोएट जर्नलिस्ट भी है. और इनकी जो बॉर्न हुई थी, जन्म जो हुआ था वो 6 जनवरी 1878 में, 6 जनवरी 1878 में इनकी बॉर्न हुई थी. और इनकी डाइड हुई थी, मृत्यु हुई थी 22 जुलाई 1967 में. और ये एक काफी मार्वेलस पोएट है जिन्होंने अपनी जो लव जो है, बॉन्डिंग जो है, वो एक नेचर के साथ है जो इस पोएम के माध्यम से बताते हैं. And as we all know that every poet wants to share his thoughts, feelings, emotions, ideas and experiences and imaginations as well as by the help of poem के माध्यम से वो बताने की कोशिश करते हैं. ये जो poem जो है ये एक 6 लाइन का स्टेंजा है और 6 लाइन का जो स्टेंजा जो 1 2 3 4 5 6 yes I am absolutely right. तो 6 लाइन्स का जो स्टेंजा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेस्टेट. ओके, और ये एक फ्री वर्ड्स पोएम है. फ्री वर्ड्स पोएम का मतलब ये हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्री वर्ड्स पोएम का मतलब ये होता है कि उस पोएम में जो स्टेंजा जो होती है उसका राइम स्कीम नहीं निकाल सकते, यानी कि राइदम नहीं होता है उसमें राइदम या राइम स्कीम नहीं होती है, उसको फ्री वर्ड्स बोलते हैं, फ्री वर्ड्स पोएम बोलते हैं, इसमें राइम स्कीम नहीं है. और ये एक छोटा सा पोएम है जिसको पोएट जो है हमारे कार्ल सैंडबर्ज जो है वो बताते हैं कि हमारे जो फॉग जो है, फॉग मीन्स क्या होता है, कुहासा जैसा हम लोग जानते हैं. तो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यानी फॉग जो है, कुहासा जो है वो आती है. फॉग अगर आप नाउन की बात करें कि फॉग कौन सा नाउन होगा, तो ये आपका एक फेमिनिन नाउन है. तो फॉग जो है वो आती है ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्लियों की तरह. बिल्ली, अब देखोगे आपके घर में जब बिल्ली वगैरह आती है तो उसकी जो पैरों की जो आवाज होती है, द साउंड ऑफ हर फुट फिट, उसकी जो पैरों की जो आवाज जो होती है वो आपको सुनाई नहीं पड़ती है. तो इन द सेम वे यहाँ पे फॉग और कैट के बीच जो कंपेयर कर रहे हैं हमारे पोएट, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट, यानी फॉग जो है वो आती है हमारे घरों में या एवरीवेयर वो आती है ऑन लिटिल कैट फिट, यानी छोटी सी बिल्ली जो आती है जिसकी पैरों की कोई आवाज नहीं आती है, उसकी पैरों की कोई भी खनखनाहट नहीं आती है, उसकी तरह वो फॉग हम लोगों के पास आती है बिना कोई आवाज किए हुए. हमें पता भी नहीं चलता है वो कब आ गई और कब चली गई. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पोएट इस पोएम के माध्यम से कि वो आकर के बैठती है, वो आती है और चारों तरफ देखती है. लुकिंग ओवर हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह. जैसे आप देखे होंगे कि कोई झुंड वगैरह कोई जगह हो गई, जैसे बस स्टॉप हो गया जहाँ पे, झुंड वगैरह जगह हो गई, जो सिटी जो हो गया, शहर जो हमारा हो गया, तो इन सभी जगहों पे जो फॉग जो है वो आती है, है ना. इट यहाँ पे किसके लिए वर्ड यूज किया गया, फॉग के लिए. यानी फॉग जो आती है, बैठती है, लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, शहर और हार्बर के चारों तरफ वो देखती है और देख करके साइलेंटली, शांति के साथ, हॉन्चेस विदाउट मेकिंग ए नॉइस, बिना शोरगुल किए हुए, बिना आवाज निकाले हुए वो आती है हार्बर और सिटी के चारों तरफ आकर के बैठ जाती है. फिर कुछ समय के बाद एंड देन मूव ऑन, फिर वो कुछ समय के बाद वहां से वो चली जाती है. तो यहाँ पे आपकी पोएम हो जाती है खत्म. और इस पोएम से हमने ये सीखा, हमने ये इसका समराइजेशन किया कि जो पोएट है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पोएट की जो लव बॉन्डिंग जो है वो नेचर के बीच है, नेचर के साथ है. तो यहाँ पे कैट और फॉग के बीच वो कंपेयर किए हैं. फॉग का कंपेयर किससे किए हैं, कैट के साथ किए हैं, कि फॉग जो आती है वो बिना कोई आवाज किए हुए वो आती है और फिर हम लोग के चारों तरफ वो दिखती है, शहर के चारों तरफ, हार्बर के चारों तरफ वो दिखती है, बैठती है शांति के साथ, फिर वहां से वो निकल के चली जाती है. तो यहाँ पे वो पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी एक बॉन्डिंग जो है वो नेचर के साथ है, यानी कि वो अभी भी ये बताना चाहते हैं कि नेचर जो है, फॉग जो है वो अभी भी अलाइव है. नेचर इज अलाइव स्टिल. ओके, तो यहाँ पे आपकी पोएम हो जाती है खत्म. आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा. इफ यू आई होप यू इफ यू आर गेटिंग दिस पोएम वेरी वेल, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आई कैन अपलोड ऑल द वीडियोज एंड यू विल गेट इट वेरी
एज मीन्स एज सुन एज पॉसिबल. इसके अलावा एक्सेप्ट दिस चैनल, हम लोग के पास एक और चैनल है जिसका नाम है योर इंग्लिश वर्ल्ड, जहां पे आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के और बिहार बोर्ड बीएससीबी के सारे लिटरेचर के प्रोज और पोएट्री सेक्टर के वीडियोज आपको वहां मिल जाएंगे. और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.